कि गैर इरादातन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है, गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। मान्यवर, एक मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि गैर इरादातन हत्या जो थी, अकस्मात जिसको कहते हैं, इसमें हमने दो हिस्से किए। अकस्मात तो किसी भी व्यक्ति से किसी भी स्थिति में हो सकता है, एक गाड़ी चलाता रहे एक व्यक्ति और रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। और मैं मानता हूं कि इससे हिट एंड रन के केस में काफी कमी आएगी मैडम, पर ये करते करते जो डॉक्टरों की नेग्लिजेंसी से अगर किसी की मृत्यु आती है तो वो भी गैर इरादातन हत्या में आ जाती थी, इसकी भी सजा बढ़ गई। तो हमने इसको एक, मैं आज ऑफिशियल अमेंडमेंट लेकर आऊंगा, डॉक्टरों को इससे मुक्त कर दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मेरे सामने रजूआत करी थी, हमने इसको मुक्त करने का प्रावधान किया है। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का नया प्रावधान हम लेकर आए हैं। नस्ल, जाति, समुदाय या किसी शंका के आधार पर एक टोला एकत्रित होकर किसी को मार देता है, तो उसमें मैक्सिमम फांसी तक की सजा की है। स्नैचिंग के लिए कोई कानून नहीं था, चैन स्नैचिंग होते थे, मोबाइल होते थे, और अलग अलग धाराओं में अंत में कानून के गैप का फायदा उठाकर वो छूट जाते हैं थे। स्नैचिंग के लिए भी हमने कानून लाया है। और मान्यवर, गंभीर चोट का जो कानून था, इसमें भी हमने दो डिविजन करे हैं। किसी ने किसी के सर पर लाठी मार दी, इंजर्ड हुआ, तो उसको सजा तो होनी चाहिए, परंतु लाठी मारने के कारण वो ब्रेनडेड हो गया या अपाहिज हो गया, तो इसकी सजा इतनी नहीं होनी चाहिए। तो संपूर्ण अपाहिजता या तो ब्रेनडेड के केस में हमने 10 साल तक का कठोर दंड देने का प्रावधान किया है, इसको सेपरेट किया है। मान्यवर, गंभीर चोट का जो खंड 117 है, उसमें 10 साल की उम्र कैद का हमने प्रावधान किया है।